राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो दिन के भारत दौरे में आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बातचीत को दोनों नेताओं ने बेहद कामयाब बताया और अब से थोड़ी देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मीडिया से मुखातिब होंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि इस वक्त भारतीय विदेश मंत्रालय ने मोदी ट्रंप बैठक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक मोदी और ट्रंप के बीच CAA पर यानी कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। भारत के विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही है। धर्म की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर बात जरूर हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म का जिक्र किया था, आज भी किया, लेकिन CAA को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। यहां एक बात अंडरलाइन करने लायक है कि भारत हमेशा से यह बात कहता आया है कि अंदरूनी मामलों में किसी तीसरे मुल्क का दखल बर्दाश्त नहीं है, तो यह बरकरार रखा गया है स्टांस अपना मोदी और ट्रंप की बातचीत में। हालांकि कश्मीर का जिक्र जरूर आया, जो दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई उसमें कश्मीर का जिक्र हुआ, लेकिन भारत ने यह बात जोर देकर अमेरिका से बता दी है कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद हालात बेहतर हुए हैं। ट्रंप ने कश्मीर में सरकार के प्रयासों की तारीफ भी की है। यह बात भारतीय विदेश मंत्रालय ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ की है। और अब नजर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला क्यों किया। अब जब भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया डोनाल्ड ट्रंप से सवाल जवाब करेगा तो क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या मुद्दे उठेंगे, सबकी नजर रहेगी आज तक भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।